का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे कि प्रदेश में देश में किस तरह जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भर्ती के नाम पर कैसे उनके साथ खेला हो रहा है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ में जो है भर्ती के इतिहास देखें, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, पुलिस के हो या अन्य विभाग में, ऐसे कोई भर्ती नहीं है जो समय सीमा में खत्म किया गया हो, और ये किसी पंचवर्षीय योजना से कम नहीं लगता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण भर्तियाँ लटक जाती है। तो आखिरकार ये तमाम गलती होने के बाद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है इसके लिए जिम्मेदार क्यों जो है उसके लिए कौन है जिम्मेदार, और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं दिखाता हूं प्रदेश भर के लोग हैं, युवा हैं, अपने नौकरी की मांग को लेकर यहां पहुंचे हुए हैं, और नौकरी की मांग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमको नौकरी दो, वैकेंसी आया, वैकेंसी के आधार पर भर्तियां हुई, उसमें गड़बड़ियां हुई, कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप इनको 3 माह के भीतर नौकरी दो, लेकिन 3 माह बीत गया, नौकरी इनके हाथ में नहीं है। जहां इनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होना था, आज आवेदन पत्र लेके खड़े हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं, काफी सारा फाइल लेके खड़े हो भाई जी सर। सबसे ज्यादा बोझ आप पे ही लग रहा है जी सर। सारा डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहे हैं सर, घूमते घूमते हम लोगों को 2-3 साल हो गया लगभग, फिर भी हमारी मांगों को मतलब न्यायालय का जो फैसला है। मांग क्या है पहले ये बताइए, न्यायालय का जो फैसला है किस चीज की भर्ती है और क्या मांग है, शुरुआत से बातचीत करते हैं ताकि लोगों को समझ में। जी, जिला पुलिस बल में वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं सर हम लोग, तो वेटिंग 2021 में इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद में 25% लोगों को वेटिंग में रखा गया था। तो वेटिंग को क्लियर करने के लिए इसमें जो नियम बना है, राजपत्र में नियम बना हुआ है, तो नियम में ये लिखा हुआ है कि यदि डेथ होती है, मृत्यु होती है 1 साल की अवधि में या पदोन्नति होती है, तो उसमें वेटिंग को लिया जाना है। तो ये लोग वेटिंग को नहीं लिए, तो जब नहीं लिए तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए, माननीय हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जाकर के जब हम लोगों ने हमारी पूरी सारी चीज़ों को बताया तो उन्होंने देखा सुना, उसके बाद वेटिंग को लेने के लिए ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के बाद भी वेटिंग को नहीं लिया जा रहा है सर। तो कितने दिन का जो है समय दिया गया था, कोर्ट ने क्या कहा था? 3 महीने का इसमें समय लिखा हुआ है सर, ये ऑर्डर की कॉपी है हमारे पास में, और इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था कि यदि प्रमोशन हुई है 1 साल के अवधि में, यदि प्रमोशन हुई है, उसका वीडियो बाइट भी है हमारे पास में जो जजमेंट आया था उसका, तो वेटिंग वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अच्छा, मिलनी चाहिए। और कितने समय हो गया आदेश है? ये लगभग 4 महीने हो गया सर, 1 फरवरी को आया था, 1 फरवरी 3 महीने का समय दिया गया था, 4 महीने। जी जी जी, मतलब कोर्ट के आदेश का भी पालन। जी सर, वही चीज़ हम लोगों को सबसे बड़ा अचंभित हो रहा है सर, कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदर है उसको भी नहीं माना जाएगा, मतलब क्या चल रहा हमको समझ में नहीं आ रहा है। योजना जो है, हम जैसे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 5 साल तक जो चलता है, कितने साल से चल रहा है आपकी ये भर्ती प्रक्रिया? ये 2017-18 में इसकी वैकेंसी आई थी। हाँ। और इसका रिजल्ट 2021 में आया हुआ था। अच्छा, परीक्षा कब लिए थे? इसका तो हम लोग 2 बार फिजिकल दिलाए हैं। अच्छा, 2 बार, जहाँ 1 बार होना चाहिए वहाँ 2 बार। जी, बीजेपी के शासन में हम लोग जब 1500 किलोमीटर सिर्फ रनिंग क्वालिफाई था, उसमें भी हम लोग क्वालिफाई किए, उसके बाद सरकार चेंज हुआ तो ये लोग भर्ती रद्द करने वाले थे कि इसमें गलत तरीके से फिजिकल हुआ है, गलत तरीके से भर्ती हुई है करके। फिर उसके बाद फिर से कोर्ट में मामला गया और वहाँ से ना, आप बोल रहे हैं गलत तरीके से हवाला दे के आपको फिर से परेशान किया गया, फिर से आप फिजिकल दिए हैं, किसी पर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन प्रताड़ित आप लोग को किया गया। जी, प्रताड़ित, दोबारा आपको सब कुछ देना पड़े है। जी, और जिन पे जिम्मेदारी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से भविष्य से मजाक होता है, अधिकारी बच जाते हैं और अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। 2021 तक की कहानी सुन ली है, उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद प्रतीक्षा पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें हमारे 13-2 नियम के अनुसार 25% प्रतीक्षा सूची जारी किया गया, जिसमें हमारा नाम प्रतीक्षा सूची में रहा गया। प्रतीक्षा सूची में नाम देखने के बाद मन में एक लालसा सी थी कि हम भी पुलिस बनने वाले हैं, जिस प्रकार से हमारे उसके बाद 1 साल की अवधि लेना था, जिसमें उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी माननीय गृह मंत्री के बंगले ताम्रध्वज साहू जी के बार बार बंगले गए, बार बार एसपी ऑफिस गया, हमारा नहीं सुना गया। तो अंतिम में हम लोग निराशा होकर सरकार से अपेक्षा न करते हुए माननीय हाई कोर्ट का शरण लिया गया। तो हाई कोर्ट ने अभी वर्तमान स्थिति में ये जो हमारे भर्ती नियम के 13-2 के नियम के चलते हमारे पक्ष में फैसला दे दिया गया, उसके बाद भी आज हम पीड़ित हैं, और माननीय गृह मंत्री महोदय से भी मिले तो कहा गया कि हाँ होगा करके, लेकिन आज यह हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। आज क्या बोला गया, अभी तो गए थे आप? आज यह कह रहे हैं कि
आप लोग का एक साल के अवधि में खत्म हो गया, लेकिन अगर एक साल के अवधि में खत्म हो जाए रहता तो क्या न्यायपालिका हमारे पक्ष में न्याय देते, हम लोग का यही कहना है सर। अच्छा, बातचीत के शुरुआत कर रहे थे तो यहाँ काफी सारी जो है फीमेल थी, कहाँ गई सब? है न। अच्छा, भाग रहे हैं क्या, बोलना नहीं है? कहाँ से आए हो आप? मैं भिलाई से आई हूँ और राजनांदगांव से वेटिंग में हूँ। अच्छा, राजनांदगांव से वेटिंग में। वेटिंग में क्यों है, मतलब कुछ कारण है? वेटिंग इतना समझ में आता है, पद है, अगर एक्स्ट्रा लोग हो जाते हैं तो वेटिंग में होते हैं, अगर जिनको अलर्ट है वो छोड़ दिए वो चले गए तो आप वेटिंग वाले आएंगे, लेकिन आपका इंतजार का और क्या क्या कारण है? सर बस यही है कि हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। और दो कितना पद खाली है आपके जिला में? 209 पद खाली है सर। 209 पद खाली है और आज आप वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट का भी आदेश हो चुका है। हाँ, क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमारा वेटिंग क्लियर हो जाए और हमको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए बस। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरा 2017 में हुई थी। अच्छा, नौकरी आने से पहले कि नौकरी के बाद? नौकरी का मतलब शादी हुआ और मेरा नौकरी का मतलब तैयारी चल रहा था। अच्छा, तैयारी दोनों साथ कर रहे थे। घर वाले नहीं पूछते 2017 का मामला, 24 पहुँच गए कहाँ है नौकरी, पूछते नहीं? पूछते हैं सर, घर अब क्या बोलेंगे, बस आने वाला है, आने वाला है, बस यही बस उम्मीद लेके बैठे हैं। अच्छा, बीरबल की खिचड़ी है, कब पके? बस यही बोल रहे हैं, अब 10 तारीख को बोले तो 10 तारीख का वेट किए, अब बोल रहे हैं कि अब आपका वेटिंग एक्सपायर हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए ना। अच्छा, तारीख पे तारीख, कोर्ट जो कोर्ट में बात होती थी यहाँ सरकार दे रही है। इंसाफ हमको अभी तक नहीं मिल रहा है सर। अब आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बिलासपुर से आया हूँ, बट वेटिंग में राजनांदगांव से है। अच्छा, राजनांदगांव से है, तो सेम प्रक्रिया है? सेम प्रक्रिया, उतना ही खाली है सीट? पूरा उतना ही खाली सीट है, बट प्रेशर इतना ज़्यादा है, फिर भी से लोग, हम लोग अपना मांग के लिए आते हैं, बट यहाँ से बोल दिया जाता है कि आपको होगा ही नहीं, ऐसे बोल देते हैं, तो हम लोग आगे क्या प्रोसेस करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब कोर्ट से भी बढ़कर हो गया? हाँ, वही तो, कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो, कोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ सामने आई है, कहाँ पीछे जाते हैं, आइए। अरे महिलाओं को पहला जो है, आप लोग कहाँ पीछे जा रहे हैं? कहाँ से आए पहले बताइए? रायपुर। अच्छा, रायपुर से ही है। अच्छा, आपका भी वेटिंग में? रायपुर से। जी, रायपुर से। कितना पद खाली है? लगभग 200 कुछ पद खाली है सर। जी है। अच्छा, 2017 से और 24 तक आप जो है पुलिस बनना है करके ठान लिया और इंतजार? जी जी, बस यही। घर वाले से किस तरह से बातचीत होती है जब आपकी बात नौकरी की आती है तब? हाँ, पूछते हैं कि अभी तक तुम ग्राउंड जा रही हो, बस दौड़ना ही, जिंदगी भर दौड़ना ही है तो दौड़ते रहो, घर का कुछ काम करना है, ससुराल चली गई हो तो सास को भी कुछ बोलते हैं कि बस तुमको कुछ दौड़ना है, तो बस मायके से ससुराल, यही होता है, क्योंकि मेरा ससुराल बिलासपुर में है और मैं रायपुर में हूँ, तो तैयारी के लिए मुझे बार बार यहाँ रायपुर आना पड़ता है घर छोड़ के, तो बहुत सारा प्रेशर ऐसा पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने भी मिलती हैं, आस पड़ोस में भी सुनने मिलता है, बस लोअर टी शर्ट डाल के बस अभी भी लड़की बन के घूम रही हो शादी के बाद भी, ये ऐसा कुछ कुछ सुनने मिलता है। बहुत घर के साथ समाज का भी जो ताना कसी है शिकार हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। अब हम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों का भी कुछ उद्धार हो जाए, न्याय हमें भी मिल जाए, तो शायद हमारा भी घर परिवार और हम भी समाज में कुछ अच्छे से कुछ कर पाए और दिखा पाए लोगों को। पति का सपोर्ट कैसा है? पति का सपोर्ट है करके आज लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे, शायद साड़ी पहन के मैं भी पल्लो लेके ससुराल के बीच में रहती। जी, अभी लड़ाई लड़ेंगे ना, जब तक अधिकार, आगे तक लड़नी है लड़ाई। जी, तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है कि किस तरह से लोग किस स्थिति में लड़ने को मजबूर हैं, 2017 से नोटिफिकेशन हुआ है, 24 तक के अभी भी भटक रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कोर्ट का भी आदेश का जो है पालन नहीं हो रहा है, क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए समय बहुत कीमती होता है और जो हम लड़कों के लिए नहीं होता है, लड़कों के लिए होता है पर जनरली लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है, मैं ये बोलना चाहूँगी। सबसे लड़ना पड़ता है घर से, परिवार से। एक्चुअली जो हमारे पास जो सवाल आते हैं कि तुम्हारा अभी तक जॉब क्यों नहीं हुआ है, घर में हम आश्वासन देते देते और लोगों को बताते बताते हम ये थक गए कि आज होगा कल होगा, और ना जाने कितने सालों से हम ये चीज बोलते आ रहे हैं कि हमारा होने वाला है, होने वाला है, पर भरोसा भी उठ गया होगा, 5 साल से सुन रहे हैं, 5-7 साल। हाँ, ये भरोसा उठ गया है। दूसरी बात, हर किसी का बॉडी एक जैसे नहीं होता है और बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है, तो तैयारी करने में भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है और बस हमको हर जगह से निराशा मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी वेटिंग क्लियर हो और हमको भी जॉब मिले। इसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके जिम्मेदार विभाग है और सरकार है, शासन। 2017 से अब तक सिर्फ खिलवाड़ हुआ है? जी, हमारे साथ अभी तक तो खिलवाड़ ही होते आ रहे हैं, हमारे को बस न्याय चाहिए। क्यों, कोई गम में हो क्या, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया कि फैशन है? सर इसी गम में जी रहे हैं, इसी के गम पूरा, मतलब जो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, वो नहीं है, हम लोग के लिए कड़वा है सब्र। अभी खारा हो रहा पसीना है ना सर, बहुत उदासी देख रहे हैं वो चेहरे पे, क्या है सब बेरोजगारी के कारण है, बेरोजगारी इतना है कि मतलब कितने 7 साल हो गया सर घूमते हुए हम
ये चकल्ला साल से बेरोजगार, जेब खाली और उस भी लड़ना है, आना जाना है, पैसा मांगते हैं, घर में क्या बोलते हैं घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर कि मेरे बच्चे का। आप जैसे कौन से जिला से? मैं धमतरी जिला से। धमतरी से आए हैं तो 400-500 रुपए खर्चा होता है, ठीक है, आए हैं तो खाओगे पियोगे आने जाने का, घर में पैसा मांगते हैं क्या बोलते हैं घर? सर देते हैं क्या? वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं ना सर कि इसका लग जाएगा तो सबका हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसे करके, लेकिन ये सरकार है कि हमारा बात मतलब मानने को ही तैयार नहीं है। ऊपर हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद भी तैयार नहीं है, तो क्या लेके घूम रहे हो सूचना के अधिकार? मैं सूरजपुर जिला से हूँ, वहाँ 120 पोस्ट रिक्त है। सूरजपुर में 120 पोस्ट है जी सर। और वेटिंग में कितने हैं आप लोग? ये 20 लोग हैं। 20 लोग हैं, फिर भी 100 खाली बचेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। क्या चाहते हैं? तो हो जाए करके सर। क्या हो जाए? नौकरी लग जाए। क्वालिफाई किए हैं? क्या क्या क्वालिफाई किए हैं? 2 बार दौड़ निकाले सर। अच्छा, पूरा फिजिकल 2 बार निकाले? 2 बार निकाले। पेपर भी हुआ था क्या? 1 बार पेपर हुआ है। हो गया पेपर, वो भी निकाल दिए हैं? वो निकाल लिए हैं। तो नौकरी हाथ में होनी चाहिए? यस सर। क्या भाई टोपी ओपी मास्टर, क्या क्या सोच रहे हैं? बहुत गंभीर चिंता है सर, का करे थे समझ नहीं आते हैं मन के है। ऐसे लगा थे कि सरकार के नहीं तो PHQ के सामने फांसी और माली, ऐसे मन होते हुए मन टूटर जाते। घर में जाते हम तो घर में दाई दादा उम्मीद करते, दोस्त मन कहते हुए, गाँव घर के मन बोला थे कहूँ आत जात तो खर्चा होते, तो घर में पैसा मांगा था तो दाई दादा गाड़ी देते हुए। अब करी तो करी का, यहाँ रात चक्कर लगात लगात आज 7 साल हो गए, 7 साल के बाद भी हमन लग कोई न्याय नहीं मिले। यहाँ से यहाँ तक के हमन धरना भी धरे, 2 दिन के धरना, 1 दिन के धरना, 3 दिन के भी धरना, और बाद यहाँ बूढ़ा तालाब में भी कूदेन कि कुछ तो रिस्पांस मिली, बचत बचे हैं सर, लेकिन ओकर बाद भी ऐसे परिस्थिति आए कि शासन हमन कर लापरवाही कर रहे थे। शासन इति ले बोला थे कि हो जाए, लेकिन वहाँ DGP कहते हुए कि हाँ आश्वासन बस दे थे कि होगा, लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन, इतना दिन से आश्वासन देता इस वह, आज 7 साल हो गए हुए, अंतर आत्मा रोहत सर, आज 7 साल आश्वासन देता इस वह, लेकिन आज बोला थे कि आपका 1 साल का अवधि समाप्त हो गया। जब ऐसा था तो सर वेटिंग लिस्ट करना ही नहीं था, हमें भी उम्मीद नहीं होता, जब उम्मीद लगा दिया अब उसके बाद हम लोग भी ऑप्शन के हैं भाई। जब वेटिंग सबसे पहले बोले कि वेटिंग में अगर पदोन्नति होता है या फिर किसी की मृत्यु, फिर अच्छा, अधिकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अधिकारी कर्मचारी सीधा सीधा बोलते हैं कि हाँ हो ही, और बाद अधिकारी बोलते कि वित्त विभाग से परमिशन मिले, वित्त विभाग बोलते कि DGP फोन लगाए हैं, वहाँ से PHQ में फोन लगाए हैं, फोन लगाने के बाद जो भी आदेश होगा हम लोग बंद आएंगे। खेला हो रहा है मतलब खेला होते, ओतिले लड्डू ओतिले वो फुटबॉल कस मारे थे, ये तिले फुटबॉल कस मारे थे, हम चूतिया बन गए हैं सर, बस इतने से कैसे बताए सर, अपन दिल के हाल उतना दूर दूर से आते हैं, घर मत साला जैसे लगा थे कि जाके पटरी मत सूझ जा, डौकी लेके नहीं मिला थे बर बिहार नहीं होते हुए, का करा था जैसे कहा था कहूँ जात होते बोल कैसे बताई सर, वो कहते हुए कि यहाँ एकर तो हो गई सर, देखा था साला झूठ बोला था ऐसे कि गाली देते हुए पीरा बढ़ा जात है। मन तो होते सर कई बार ऐसे होते कि रात भी काल के रस्सी लेके कोनो मेरे फांसी लगा लगे इसे भी। क्या है, संघर्ष है और संघर्ष करने वालों की जीत होती है। 7 साल से कर रहे हैं, करते रहिए, और ये जो बुरा ख्याल मन में आ रहा है ना उससे भी लड़ना पड़ेगा। लड़त थी तो 7 साल आज मेरे खड़े हैं सर, वहाँ यहाँ से चल लड़ लिए ठीक है, यहाँ जो भी दिस अब जैसे भी निराशा दिस, लेकिन माननीय हाई कोर्ट अब छत्तीसगढ़ शासन से तो हार गए, तो हाई कोर्ट तो सर्वोच्च होते आदेश के पालन, अब ओकरो आदेश के पालन नहीं करते तो मतलब यह मजाक है ना सर, जाहिर से बात है हम कर खेला के रहते हैं, इतना दिन हो गए लड़त अब दर्द आप सुन रहे हैं किस हद तक पहुंच चुका है, किसी की शादी जो है संकट में है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई समाज के ताना सुन रहे हैं, वजह यही है कि वो 4 साल 2017 के बाद कह चुके थे कि वो पुलिस बनने वाले हैं, कारण यही था कि उनका फिजिकल निकल गया था, उनका जो है लिखित परीक्षा निकल गया था, और आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो किस तरह से भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है वो समझ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से आया हूँ सर। अच्छा, भिलाई से जी। कितना रिक्त है वहाँ? वहाँ 200 नहीं, भिलाई में रायपुर वेटिंग से हूँ। हाँ। भिलाई से आया हूँ। और कितना? 268 है, 268। और कितने कैंडिडेट हैं? 45 लोग हैं पूरा रायपुर में। हाँ, तो क्या समस्या है आपके साथ? समस्या यही है सर कि इस भर्ती के लिए अपन जो रिक्त पद है तो इसमें हम लोग का ही हक है ना, और हम लोग को हक को छीना जा रहा है ना, कि बोल रहे हैं कि आपका पद ही नहीं, आपका पद फुलफिल हो गया है, तो यही है ना सर कि आप लोग 2 बार फिजिकल दिलाए हैं और कोर्ट से लड़े भी हैं, लीगल तरीके से सब लड़े हैं, तो फिर हम लोग को क्यों ऐसा गुमराह किया जा रहा है?
बस आश्वासन ही दिया जा रहे हैं। हम लोग 3-4 महीने से यहाँ लगातार आ रहे हैं कि सर ऐसे बात है, तो बोलते ठीक है ना हो जाएगा, आप लोग वहाँ जाइए पीएच को जाइए। अब पीएच को जा रहे हैं, बोले ठीक है ना हो जाएगा, अब बोल रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव के बाद आचार संहिता, बोल रहे हैं कि वित्त में फंसा है। मैं वित्त मंत्री के पास भी गया था उसके बात के लिए कि चलो ठीक है सच्चाई क्या है करके, सर जी कर दीजिए करके। वहाँ बोलते हैं कि ऐसा आपका नहीं है, पता करते हैं, फिर वहाँ से पता चला कि ऐसा आप लोग कुछ मैटर नहीं आया है वेटिंग का करके। फिर हम लोग फिर यहाँ फिर आए, तो अब बोल रहे हैं कि आप लोग का पद तो रिक्त हो गया, आप लोग का 1 साल का समय नहीं है करके। तो ये सर दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि अब क्या करें, अब ऐसा हो गया है, एक उम्मीद लेके आ रहे हैं और घर वाले को हम बोल रहे हैं, तो सब तरफ से पीड़ित हैं सर हम लोग के साथ। कहाँ खो गए जी? सर मैं सदमे में हूँ मान के चलोगे तो। अच्छा सदमे में, मान ले जी, मान लो सर। क्या होता है सदमे का स्थिति थोड़ा बताइए। वो एक तरह से कोमा में चले जाना। अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कहाँ से आए हैं? मैं सारंगढ़ से आया हूँ सर। सर कितना पद रिक्त है वहाँ? मैं वेटिंग जांजगीर चांपा से हूँ, जहाँ पर 55 पद रिक्त है सर अभी। और वेटिंग में कितने हैं? 7 लोग हैं हम लोग जी। क्या बोलते हैं वहाँ जब जाते हैं? जाते हैं तो इतना दिनों से तो बोल रहे थे कि हो जाएगा करके, अब अभी यहाँ आने से बोल रहे हैं कि वो मान्य नहीं होगा, एक मतलब 1 साल का अवधि में। अच्छा, इन 7 सालों में क्या क्या झेले हैं आप? इन 7 सालों में सर हमने तो 2 बार फिजिकल दे डाले हैं, और पिछला गवर्नमेंट था उसके पास आया कि बहुत बार आवेदन दिए थे, वो भी नहीं सुने। फिर वो लोग हमें उनको मतलब कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा, वैकेंसी को रद्द कर रहे थे तो फिर वहाँ से जीते। फिर वैकेंसी को मतलब पूरा कराने के लिए भर्ती को दोबारा 5 यूनिट में कराएं, फिर 5 यूनिट में फिजिकल दिलाएं, फिर वहां से होकर के वेटिंग को रखे 25%। अच्छा, ये तो हो गया आपका विभागीय और सरकारी जो तंत्र से आप लड़ रहे हैं। घर परिवार से कितनी समस्या हो रही है इसको लेकर? घर परिवार से सर अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 2 बच्चे हैं, और मैं आगे की मतलब मान के चलोगे तो तैयारी नहीं कर पाऊंगा, 33 साल का हूँ मैं, तो इसीलिए सर मेरे को उम्मीद था कि अब जब हाई कोर्ट ने बोल दिया है तो मेरा तो हो ही जाएगा करके। मैं सभी को बता दिया था अपने गांव तरफ दोस्त यार को, तब वो लोग मेरे को पूछने लगते हैं कि कब तक होगा कैसा होगा करके, तो मैं उनको कुछ फेस नहीं कर पा रहा हूँ सर, बताने में शर्मंदगी हो रहा है, तो इसीलिए लगता है कि क्या करूँ कहाँ जाऊँ करके। अगर हम कई सालों से ना किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं और वो चीज़ सही नहीं हो पाता है, तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है ये टूरा लभरा हेरे कैसे कहीं से। जी जी सर, हाँ सर, आप मान के चलोगे तो उनके सामने अपना इमेज खराब हो रहा है सर, बोलते हैं कि झूठ बुलाते रहे इतना दिन से, तो अब कुछ होने वाला नहीं करके, तो बहुत तकलीफ होता है सर अपन दिल में। और ये सर से मतलब आशा रही कि अब गवर्नमेंट जब बदली से पुराना जब नहीं कर पाई ये मन हन के बात ला रखी करके, तो ये मन भी वही लापरवाह कर रहे थे सर। अच्छा, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ सर वही है सर, एक वसनचे सर, एक जैसे हैं सभी लोग सर, तो ये लोग भी नहीं सुन रहे हैं अपनी बात को, तो अब क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए सर इनको सद्बुद्धि दे भगवान, कम से कम हम लोग का वेटिंग क्लियर कर, यदि नियमता है तो उसी के कारण से हम लोग इतना दिन पहुंचे हैं, यदि नियम में। तो देखिए सब लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वहाँ वेटिंग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अगर भाई 2200-2300 पद आया है और उसको भर लिया गया है तो ये वेटिंग किस बात की, तो इसका भी हम जवाब ले लेते हैं। कौन बताएगा? आप बता रहे हो जी सर। अच्छा क्या है भर्ती नियम में, क्या था वो बताइए पहले। भर्ती नियम में यह था कि पढ़ के नहीं यार, ऐसे ही बताओ। भर्ती नियम भर्ती आया था तो भर्ती के साथ साथ भर्ती नियम भी जारी होता है हर बार हर भर्ती में, तो जिस प्रकार पुलिस भर्ती आया उसमें भर्ती नियम साथ में आया, तो भर्ती नियम में 13-13-2 के नियम में यह आया गया कि पदोन्नति, पद प्रमोशन, बर्खास्तगी, मृत्यु, अन्य कारण से जितने भी रिक्त पद होंगे उसमें से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को लिया जाएगा, ऐसा नियम में आया गया था। और यही नियम के चलते हम पुराना सरकार कांग्रेस सरकार में भी दर दर ठोकर खाए हैं, दर दर मतलब भटके हुए हैं और कई बार आंदोलन प्रदर्शन किए तो हमारा नहीं सुना गया, तो हम उच्च न्यायालय बिलासपुर के शरण लिए, वहाँ पे हमारे पक्ष में नहीं कहूँ, ये भर्ती नियम के पक्ष में आदेश जारी किया गया। परंतु जब आदेश आया तो इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस सरकार में हमारा नहीं हुआ, भाजपा सरकार के आने के बाद न्यायपालिका का बात एक बार में पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आज हमें भाजपा सरकार में भी पुनः कांग्रेस सरकार की तरह निराशाजनक जवाब मिल रहा है सर। तो हमें यह कहना है हमको नौकरी मत दो, हमें नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन जो भर्ती नियम के अनुसार हमारे पक्ष में कोर्ट का आदेश किया गया है वो तो करिए सर, यहाँ पे न्यायपालिका का आदेश का पालन नहीं हो रहा सर, ये सबसे बड़ी दुख की बात है सर, और कितने दिन तक मेहनत करें अब लोग, अभी की स्थिति ऐसा हो गया है। कहाँ कहाँ जाएंगे अगर आपके आदेश का तो पालन नहीं हो रहा है, अब कोर्ट का मानना हो गया, कोर्ट जाएंगे क्या? हम लोग हाई कोर्ट के पास फिर से जाएंगे सर। अच्छा, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाएंगे हम लोग जी सर, और वहीं से हम लोग को जीत मिल सकता है इतना हम लोग को विश्वास है, और वहीं जाएंगे
और हमें इतना विश्वास है कि वहाँ से हमें निराशा होकर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि सबके बराबर एक कोर्ट है, वहीं हम लोग फिर से जाएंगे सर। उम्मीद अभी बाकी है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे सर, क्योंकि हमारा बात सुनाई नहीं हो रहा है, इसलिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे सर। जी सर। अच्छा, ये जो भर्ती प्रक्रिया है तो क्या लगता है कहाँ से जानबूझ के गड़बड़ करते हैं क्या ये लोग? ये जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं सर, क्योंकि वेटिंग वाले क्लियर होता है, हर बार हुआ है, इस बार नहीं हो रहा है हमारे जो अभी वेटिंग में है उन लोग के साथ। हाँ, तो क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो गड़बड़ कर्मी? हर जगह प्रतीक्षा सूची को क्लियर किया जाता है, लेकिन हमारा पुलिस कांस्टेबल का प्रतीक्षा सूची आज तक नहीं क्लियर हुआ है सर, और हुआ भी है तो हम लोग सिर्फ कोर्ट के जीत के आदेश पे ही यह क्लियर हुआ है। एक बार पहला बैच लगाए थे उसमें भी जीते थे, तो कुछ पद क्लियर हुआ था, और डबल बैच लगाए हैं तो हम लोग का पूरा पदोन्नति, रिक्त, स्थानांतरण और किसी भी अन्य कारण से होना है प्रतीक्षा सूची को चयन सूची में बदलना है, लेकिन फिर भी चयन सूची को नहीं बदल रहे हैं सर, और हम लोग फिर कोर्ट ऑफ कंटेम लगाने के लिए हाई कोर्ट से निवेदन करेंगे, और वहीं कोर्ट ऑफ कंटेम लगाने हम लोग हाई कोर्ट फिर से जाएंगे। 7 साल की लड़ाई आसान नहीं है, और इस बीच में हौसला बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहां से आए हो? मैं महासमुंद टेका टोलू से। अच्छा, क्या टेका टोलू गाँव? अच्छा, का नाम है जी, पूरा लोकल है, वहाँ से आया हूँ। इच्छा था कि पुलिस बनना है ऐसे करके। अभी भी होगा? अभी भी है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं हमें तो 2-3 साल से घूम ही रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर भी हमारे गवर्नमेंट कोर्ट के आदेश को भी नहीं मार रहा है। हम देखते हैं कि अब क्या करना है। मतलब गांव में क्या बोलते हैं आप? जब पहले बोले होंगे कि मेरी तो नौकरी लग गई है, मैं तो पास कर लिया हूँ, क्या बोलते हैं गांव में? अब होने अच्छा है कि गांव का एक आध बंदा भी पुलिस में देश की मतलब राज्य की सेवा के लिए जा रहा है ऐसे करके, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि शासन प्रशासन ही इसमें भ्रष्ट है। जो कोर्ट का आदेश नहीं मार रहे हैं ना, इसलिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ही भ्रष्ट है। देखते हैं, लड़ाई आगे तक से लड़ेंगे जी। पूरा चिंता जो है चेहरा में दिख रहा है। चिंता तो है सर, बहुत बहुत बड़ी चिंता है। कितना बच गया नौकरी का समय? कितना बचा? अब मेरा एज लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, खत्म हो चुका है। उम्मीद नोटिफिकेशन को लेकर है? नोटिफिकेशन मतलब जब जारी हुआ था, काउंट तो उम्र आपको वहीं से होगा। हाँ हाँ, इसके बाद आपके पास अवसर नहीं? इसके पास मेरे पास और अवसर नहीं है। अगर अवसर मिलेगा भी तो एजेट के हिसाब से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। अब समय भी निकल गया। अब ऐसे ही मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बीवी बच्चे भी हैं, और सारी बोझ मेरे ऊपर है, और मैं इधर बाहर बाहर शासन का दर दर भटक रहा हूँ। अब तक घर वालों का यही उम्मीद है कि मेरा बेटा कभी सर्विस करेगा तो घर संभालेगा, लेकिन वो सब भी उम्मीद खत्म नजर आ रही है अब शासन का हाल देखते हुए मुझे। तो उम्मीद किससे है? आप कोर्ट ने कह दिया मान नहीं रहे हैं, विभाग कह रहे हैं कि करेंगे नहीं, उम्मीद किससे? अब उम्मीद और किससे करें सर, मात्र आप एक कोर्ट से ही उम्मीद कर सकते हैं। अब शासन प्रशासन के पास कितने बार हाथ फैला चुके हम लोग, कितने बार उसके शरण में गए थे, लेकिन आज तक हाँ बस मिला, उम्मीद जताई, लेकिन जब आज भरोसे का लड्डू दे रहे थे वो भी आज फूट गया। भरोसे का लड्डू दे रहे थे, लेकिन आज जब गृह मंत्री से मिले तो वो भी खत्म हो गया, है नहीं? साफ साफ बोल दिए कि जो लेना था वो सब कम्प्लीट हो गया, है नहीं? तो अब उम्मीद खत्म हो चुका है। अच्छा, उम्मीद खत्म हो गया, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। लास्ट कहाँ से आए हो? बलरामपुर से। अच्छा, बलरामपुर से। जी सर। कैसे किए हैं पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा बताइए। घर में सब संपन्न है कि पसीना बहा के किए? पसीना बहा के सर। अच्छा, पसीना बहा के जी। कितने साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने? यही अभी तो मेरा 29 साल हो रहा है, तो वही 18 से ही हम लोग कर रहे थे उसका तैयारी, तो वही उम्मीद लगाए के बैठे हैं सर कि हो जाए बोल के। कहाँ से? सर मैं महासमुंद जिला से हूँ। क्या चाह रहे हो? सर ये वेटिंग क्लियर हो जाए करके आज आए थे, उतना दिन से घुमा घुमा के रख रहे थे, PHQ जा रहे थे, इधर गृह मंत्री के पास आ रहे थे। आप क्या चाह रहे हैं? वेटिंग क्लियर हो भैया। हमन हाँ मुंगेली जिला से हूँ। हमन 2017 से दिलात हन, 26 साल के हो गए महू हाँ, 2 बार फिजिकल दिलाएं। अभी चुनाव से पहले हमन तकरीबन 2-3 बार विजय सर में मिले लाए रहें, हर बार बोली से कि तुहर ठीक है, हो जाए हो ही, अभी चुनाव में स्थिति चल। वोट पाना रही से था? वोट पाना रही से तो अपन अपन उल्लू सीधा करत रही से। अब जैसे चुनाव खत्म हुई, आपको आचार संहिता के बाद आ बोले रही से, आचार संहिता खत्म हो गए, आचार संहिता के बाद आए हैं तो आपका बोला थे अब तुहन अवधि के बाद आ गए, 1 वर्ष के अवधि रही थे हमारे, कोई भी वैकेंसी रहे वहाँ लगना है खाना वेटिंग के,
अब खत्म हो गया कोर्ट में, तो अवधि तो बढ़ेगा ही। अवधि कोर्ट से सर हम लोग 3 साल से केस लड़े हुए हैं, 2021 में आया था इसका फैसला, उसके बाद से अब 3 साल हो गया, 2 बार लड़े हैं। एक चार संहिता था बीच में आए थे, क्या बोल रहे थे? तो होगा, चुनाव है, चुनाव के बाद जैसे ही अब फैसला आएगा, चुनाव खत्म होगा, सरकार बैठेगा, उसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा काम, ऐसे करके बोल रहे थे। अभी आए हैं तो आप लोग का डेट खत्म हो गया, अब नहीं होगा बोल रहे हैं। अभी ये जो है देख रहे हैं युवाओं के सीने में ये घाव है, अगर ये नासूर बन जाता है तो कई तरह के दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार को बता रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 2017 से चालू भर्ती 24 में पहुंच गया है, कोर्ट के आदेश है, बावजूद इनको भर्ती नहीं दी जा रही है और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनकी जो उम्मीद है कब जाके पूरी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।